हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अभी सुबह के बज रहे हैं 7। हाँ, 7 बज रहे हैं अभी। और आज है अष्टमी, तो हमारे यहाँ पे कन्या पूजन होगा। तो अभी हलवा बन गया है, चना बन गया है। अभी मैं पूरियाँ बेल करके आई हूँ, अभी कढ़ाई गर्म हो रहा है। तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और दक्षिता बाहर है, तीनों बच्चे बाहर हैं एक्चुअली। वो लोग एक जगह से आ भी गए हैं, मतलब कन्या पूजन था वहाँ पे भी, वहाँ से आ गए हैं। और अभी मैं सुबह 6 बजे से पहले ही उठ गई थी, नहा करके फ्रेश हो गई, पूजा वगैरह मैंने कर ली है। रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं क्योंकि फ़ोन नीचे था। पहले ऊपर गई, ऊपर पूजा करी मैंने, फिर नीचे आ करके करी। और सुबह सुबह थोड़ा जल्दी वाला काम हो जाता है इसलिए। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज है अष्टमी और आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल रहेगा नवमी, फिर दशहरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और अभी मैं जा रही हूँ पूरियाँ बनाने, मैं और मेरी देवरानी मिलके ही बना रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं बनाने। अभी कन्याएं, मतलब छोटी छोटी बच्चियाँ आएंगी और फिर कन्या पूजा। हैं 9:30 सुबह के और हमारे यहाँ पे कन्या पूजन बहुत अच्छे से हो गया सब कुछ। और हमारे यहाँ होने से पहले भी बच्चे दो जगह गए थे। और अभी भी दक्षिता को लोग इधर से उधर, उधर से इधर लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं। मतलब वो सुबह से केवल इधर उधर इनके उनके घर जा रही है कन्या पूजन के लिए ही। और आराध्या तो बहुत रोने लग गई थी तो वो नहीं जा रही है। आरुष चला गया स्कूल, 9 बजे से आज था उसका स्कूल। यहाँ पे कन्या पूजन वाले दिन रहता तो है स्कूल, लेकिन थोड़ा सा लेट कर देते, ऐसे 8:30 लगता है। आज 9 बजे गया है वो। और मैं उसका वेट कर रही हूँ दक्षिता का कि वो आए तो उसको नाश्ता कराऊँ। बस इधर उधर में ही रह गई है। अभी 9:30 हो गया, वो कुछ भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ही जो खाई होगी सो खाई होगी। और बहुत अच्छे से हो गया। और भोग में वही जो सबके यहाँ रहता है, हलवा पूरी चना, हमारे यहाँ भी वही बना था। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं और मॉर्निंग के बाद मैं अब रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। क्योंकि हुआ क्या था, मॉर्निंग में जब मैं सारा काम वाम करके और फ्री हुई और दक्षिता आई 10 बजे घर पे, पता नहीं कहाँ वो घूम रही थी आज, पता ही नहीं चल रहा था। तो 10 बजे आई, उसके बाद से मैं इसको ऊपर लेकर के आई, नहलाया मैंने इसको पहले, तो क्योंकि मॉर्निंग में 6 बजे से ही बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। और सुबह में ना पानी बहुत ठंडा, दक्षिता को चेंज करा दिया, वो शायद चली गई है नीचे। दक्षिता को जो जो गिफ्ट मिले हैं आज कंचुकों में, मैंने सोचा उन्हें दिखा दूं, नहीं तो फिर बाद का बाद में ही रह जाता।
इतने क्यूट क्यूट है ना, ये देखिए छोटी सी थाली है ये, और इसके अलावा प्लेट है छोटी सी, इन सब में हलवा पूरी चना और यही सब प्रसाद वगैरह मिला था। फिर एक ये छोटी सी प्लेट है ग्रीन कलर की, इसके बाद से एक ये है छोटी सी प्लेट। इतने क्यूट क्यूट बर्तन है ना ये कि क्या कोई बोले। इसके अलावा एक बास्केट है ये, इसमें भी उसको प्रसाद ही मिला था। और एक ये टिफिन है, इन सबको मैंने अभी वॉश किया है, अभी सूख जाए तब। एक ये टिफिन है ऐसे, और एक ये है प्लेट, इस पे बारबी लिखा हुआ है। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे बर्तन मिलते हैं ना बच्चों को। एक ये है, तो ये सब मिला है उसको। हमारे यहाँ का भी कन्या पूजन बहुत अच्छे से हो गया। मैं बहुत ज्यादा कुछ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बस आरुष को मैंने बोला था तो उसने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। बाकी होता है ना कि अब बच्चियां बैठी हैं तो वीडियो बनाओ कि उन लोगों को खिलाओ, तो इस वजह से बहुत अच्छे से मैं नहीं कर पाई थी। नहीं तो आए थे बच्चे हमारे घर पे 7:30 बजे के आसपास, फिर उनका पैर वैर धुलवा के, और यूपी साइड में क्या होता है ना, उनको उनके पैरों को, बच्चों के पैरों को मतलब आलता से कलर करते हैं, पर यहाँ पे नहीं करते हैं, यहाँ पे कोई नहीं करता ऐसे। तो बस पैर धुला करके और बस ये सारे गिफ्ट्स रहते हैं, हलवा पूरी चना का प्रसाद रहता है, केला रहता है, और इसके अलावा बिस्किट चिप्स भी बच्चों को मिले हैं आज तो। छह हो गए हैं अभी, और चाय पी करके अभी मैं ऊपर आई थी दिया जलाने के लिए। चाय पी करके बर्तन वगैरह वॉश कर लिए हैं और दूध भी गर्म हो गया है। साग वही वाला बनाऊंगी जो सरसों पालक का साग, अभी कुछ दिन पहले मैंने वो रेसिपी भी शेयर करी थी अपने एक ब्लॉग में, तो वही वाला साग भी बनाना है। तो वॉश करके उसको बॉयल कर भी लिया है मैंने। मैंने सोचा पहले पूजा करके आते हैं, तब तक प्रेशर निकल जाएगा कुकर का, तब फिर तड़का लगा लेंगे। और आटा वगैरह भी गूंद ही लिया है, तब बना लूंगी खाना फटाफट से। और आज का दिन बहुत अच्छा गया, सुबह से ही बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बच्चे इधर उधर घूम रहे थे कंजकों के लिए। इधर कंजक बोलते हैं, वैसे यूपी साइड में कन्या पूजन बोलते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, तैयार हो करके बच्चे अपना इधर उधर घूम रहे थे, और बहुत मतलब आज अलग ही रौनक लगी हुई थी। बस यही है कि इस बार रावण दहन देखने को नहीं मिलेगा, और पिछले साल बगल वाले प्लॉट में हुआ था, लेकिन इस साल वो भी लग तो नहीं रहा है, क्योंकि आज अष्टमी हो गई, नवमी, और परसों ही है दशहरा, परसों है, तो कोई तैयारी तो दिख नहीं रही है, तो लग नहीं रहा है कि इस बार ऐसा कुछ होगा। पिछली बार तो पूरा मेला लग गया था हमारे ही कॉलोनी में। आरुष कह रहा मैं बनाऊंगा छोटा सा रावण, तो देखते हैं बनाता है कि नहीं, बच्चों का भी अलग अलग शौक होता है। बस यही एक लग रहा है, और कहीं पे और भी कहीं पे ऐसा हो नहीं रहा है। और रामलीला भी इस बार नहीं कहीं पे हुई, पिछले साल भी नहीं थी, हुई थी क्योंकि ये कोरोना की वजह से ही बस। तो मतलब यही है यार, कोरोना की वजह से बहुत कुछ मतलब बदल गया है अचानक से, जैसे पहले की लाइफ क्या थी और अभी की लाइफ। लेकिन अब धीरे धीरे जब मतलब सब कुछ अभी ठीक हो रहा है, तो लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन मतलब ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है ना कि सोचो तो लगता है कि क्या मतलब उस टाइम पे हो गया था। उस टाइम मैं चेन्नई में फंसी हुई थी अपने दोनों बच्चों को लेकर के अकेले, और मेरे हस्बैंड बैंगलोर में थे, तो 3 महीने मैं अकेले दोनों बच्चों को लेकर के वहां पे फंसी हुई थी, बहुत परेशानी हुई थी मुझे। तो खैर ये स्टोरी फिर कभी मैं बताऊंगी आपसे, और बस यही है कि थोड़ा रावण दहन भी होता तो अच्छा लगता, लेकिन नहीं हो रहा है, कोई नहीं, चलो मे बी नेक्स्ट ईयर से हो। तो बस इसी के साथ इस ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।